नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर फास्ट न्यूज। यूपी के सुल्तानपुर का गुड्डू कैसे अरविंद केजरीवाल के लिए हो गया खास। ईडी ने कथित शराब घोटाले में पूछताछ के बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी की खबर से उनके गृह जनपद सुल्तानपुर में उनके समर्थकों में बड़ी नाराजगी है। संजय ने पीएम मोदी और अडानी के खिलाफ जैसा अभियान छेड़ रखा था, उसके चलते समर्थक इसे तय मान रहे थे कि राज्यसभा से उनका निलंबन पहले से ही चल रहा है। आपको बता दें कि सुल्तानपुर में एक समाजसेवी के रूप में वह दो दशकों तक पीड़ितों वंचितों के आंसू पोंछने की कोशिश कर रहे थे। उनके दवा और इलाज की हर मुमकिन कोशिश करते रहे। संवेदना के सिर्फ शब्द ही नहीं परोसे, सेवा समर्पण की कोशिशें। जब संवेदनहीन व्यवस्था में अनसुनी रही तो संघर्ष में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जनहित के सवालों और गुमटी पटरी दुकानदारों वंचितों के लिए बार बार धरना प्रदर्शन और रास्ता जाम किया। अनजाने मंच बैनर थे लेकिन वह लड़ते रहे। इससे जुड़े मुकदमे अभी भी संजय सिंह का पीछा कर रहे हैं और सुल्तानपुर की अदालतों में उनकी पेशियाँ चलती रहती हैं। इस जज्बे ने उन्हें अन्ना आंदोलन का मंच दिया और उन्हें निखारा, शोहरत भी दी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए गए। पंजाब सहित कुछ अन्य राज्यों का भी प्रभार मिला। फिलहाल उत्तर प्रदेश में पार्टी के प्रभारी हैं। राज्यसभा के सदस्य के रूप में, एक मुखर सदस्य के रूप में उनकी पहचान है। वह आम से हो चुके हैं लेकिन अपने घर और शहर सुल्तानपुर की गलियों सड़कों पर पुरानी टोली के साथ वैसे ही आम आदमी हैं, जिसके हक से वह सर्वोच्च सदन में पहुँचे हैं। सुल्तानपुर पहुंचते ही वह पुरानी भूमिका में लोगों का दुख दर्द बांटते हैं और लोगों के बीच बैठकर बतियाते हैं। सुल्तानपुर के गबड़िया मोहल्ले के निवासी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह ने खुद के बनाए रास्ते पर चलकर यह मुकाम हासिल किया है। संजय सिंह के मोहल्लेवासी उन्हें प्यार से गुड्डू कहकर पुकारते हैं। शहीदों की याद में गठित शहीद स्मारक सेवा समिति बैनर तले करतार केशव यादव के नेतृत्व में शुरुआती दिनों में जनसेवा सीखने वाले संजय सिंह ने बाद के दिनों में आजाद समाज सेवा गठित की। हर साल खुदीराम बोस के जन्मदिन पर सैकड़ों असहाय लोगों को संस्था विभिन्न प्रकार की सहायता सामग्री वितरित करती है। संजय सिंह हर हाल में इस कार्यक्रम के संचालन के लिए सुल्तानपुर पहुंचते हैं। संजय सिंह के माता पिता दोनों ही सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। पिता दिनेश सिंह इंटर कॉलेज में प्रवक्ता तो माता राधिका सिंह प्राथमिक विद्यालय में प्रधान अध्यापिका रहीं। शिक्षक दंपति का सपना था कि बेटा पढ़ लिख कर नौकरी करे, इसलिए प्रारंभिक शिक्षा के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए उड़ीसा भेजा गया, जहां कोल माइनिंग में इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद घर वापस आए। संजय सिंह ने धनबाद में नौकरी ज्वाइन कर ली, लेकिन बचपन से ही कुछ अलग करने की सोच रखने वाले संजय का मन वहाँ नहीं लगा और घर वापस लौट आए। स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ के नारे के साथ जगह जगह आंदोलन किया। प्रदेश के बाहर भी गरीबों की सेवा के लिए कदम बढ़ाए। यही नहीं, सुनामी पीड़ित परिवारों के लिए सड़कों पर मदद के लिए अभियान चलाया और मिली धनराशि वहां तक पहुंचाई। इस जनसेवा कार्यों के दौरान ही मैक्स से पुरस्कार विजेता संदीप पांडे जैसी कई शख्सियतों के संपर्क में आए। इन सभी को अपने कार्यक्रम में भी बुलाते रहे। रक्तदान करने की उन्होंने एक मुहिम चलाई जिसमें बड़ी संख्या में युवा जुड़े। वह खुद भी 40 बार से अधिक रक्तदान कर चुके हैं। दिल्ली में बड़े नेताओं के साथ मंच साझा करने का मौका मिला तो संजय ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। देखते ही देखते वे टीवी चैनलों में सुर्खियां पाने लगे। अरविंद केजरीवाल का उन पर भरोसा बढ़ता गया। इंडिया अगेंस्ट करप्शन की कमेटी में उन्हें जगह मिली। जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ तो उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया। बाद में उत्तर प्रदेश और पंजाब सहित कई प्रांतों के प्रभारी भी बने। वह आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेताओं में शामिल हैं।